हिंदुस्तान, बरसों गैरों की हुकूमत सही है हमारे देश ने, चाहे वो अंग्रेज हो या विदेशी लुटेरे। मगर जब जब हमारे देश में विदेशी आक्रमणों की अति हुई है, तब तब इस धरती ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस और जनरल शाहनवाज खान जैसे सिपाही पैदा करे हैं। जय जिनेंद्र आप सभी को दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मिहिर जैन और आज मेरे साथ है उमर अंसारी। दोस्तों, जामा मस्जिद दिल्ली के ऐसी तरह तरह की जगहों को देखने के बाद, चाहे वो निज़ामुद्दीन औलिया बाबा की दरगाह हो, चाहे वे हिंदुस्तान का प्राचीन हनुमान मंदिर, चाहे वे झंडे वाला माता का मंदिर हो, चाहे वो रज़िया सुल्तान की कब्र हो, दोस्तों ऐसी मुकामी जगहों को देखने के बाद आज हम लोग आ चुके हैं दिल्ली के अंदर शाहजहानाबाद में स्थित जनरल शाहनवाज की कब्र के पास। चाहे वो हिंदुस्तान की आज़ाद हिंद फौज की बात हो, चाहे वह हिंदुस्तान की सियासत की बात हो, जनरल शाहनवाज ने हमेशा अपनी सेवा हिंदुस्तान को हमेशा दी है। तो दोस्तों, अब हम जनरल शाहनवाज की कब्र को यहाँ देखेंगे और देखेंगे क्या मंजर है जनरल शाहनवाज की कब्र का। दोस्तों, जनरल शाहनवाज के बारे में बताते हैं कि जनरल शाहनवाज आज़ाद हिंद फौज के एक कद्दावर अफसर थे। आज़ाद हिंद फौज में वो जनरल की रैंक पर थे। मेजर शाहनवाज हमारे हिंदुस्तान के वरिष्ठ, एक बेहतरीन शख्सियत नेताजी सुभाष चंद्र बोस के राइट हैंड थे आज़ाद हिंद फौज के अंदर। दोस्तों, जनरल शाहनवाज का जन्म 24 जनवरी 1914 को हिंदुस्तान के रावलपिंडी में हुआ था, जो आज के पाकिस्तान में स्थित है। जनरल शाहनवाज के बारे में बताते हैं कि उनका परिवार, उनके बच्चे, उनकी बेगम उस ज़माने में पाकिस्तान में रहा करते थे, लेकिन सन 47 के समय, जिस समय दर्दनाक तरीके से हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो जनरल शाहनवाज ने हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान की खिदमत करने की ठानी और उनका परिवार पाकिस्तान में ही कायम है। दोस्तों, जनरल शाहनवाज पहले अंग्रेजों की आर्मी में थे, लेकिन उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब हिंदुस्तानी फौजियों को अंग्रेजी सेना के अंदर जापानियों ने बंदी बना दिया, तो उसके बाद जनरल शाहनवाज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आर्मी INA आजाद हिंद फौज के एक अफसर बन गए। स्वर्गीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस को शाहनवाज, मेजर शाहनवाज पर इस कदर भरोसा था, इस कदर उनको उनके ऊपर एतबार था कि उन्होंने अपनी आज़ाद हिंद फौज का मेजर जनरल शाहनवाज खान को ही बनाया। दोस्तों, जिस समय हिंदुस्तान ने आत्मसमर्पण किया अंग्रेज़ों के सामने, तो उस समय अंग्रेज़ों ने मेजर शाहनवाज को लाल किले के अंदर बंद कर दिया। प्रेम सहगल, गुलबख्श सिंह ढिल्लो और मेजर शाहनवाज, ये तीन ऐसी शख्सियत थी जिनको अंग्रेज़ों ने आज़ाद हिंद फौज के आत्मसमर्पण के बाद लाल किले के अंदर बंदी बना लिया था। दोस्तों, जिस समय मेजर शाहनवाज लाल किले के अंदर बंदी बनाए गए थे, उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मेजर शाहनवाज की हिंदुस्तान के अंदर वकालत करी थी, जिसके बाद उन्हें बाइज्जत बरी किया गया। दोस्तों, वो शख्सियत, वो जनरल शाहनवाज खान ही थे जिन्होंने पहली मर्तबा आज़ादी के समय यूनियन जैक यानी कि अंग्रेज़ों का जो झंडा था उसे उतार लाल किले पे पहली मर्तबा तिरंगा लहराया था। दोस्तों, आज भी जब लाल किले में लाइट एंड साउंड कार्यक्रम होता है, तो उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ साथ जनरल शाहनवाज खान की भी आवाज़ सुनाई जाती है। दोस्तों, ये तो एक सेनापति के तौर पर हमने आपको मेजर शाहनवाज की कहानी बताई, अब हम मेजर शाहनवाज के राजनीतिक जीवन पर भी एक छोटी सी दृष्टि डालते हैं। दोस्तों, मेजर शाहनवाज 1952 में लोकसभा का चुनाव जीते थे मेरठ से, और 1956 में सन 47 से पहले, जिस समय नेताजी सुभाष चंद्र साहब की मौत हुई एक प्लेन एक्सीडेंट में, उस समय जब उनकी मौत के बाद एक कमीशन बनाया गया हिंदुस्तान के अंदर, तो उसके अध्यक्ष भी मेजर शाहनवाज ही बनाए गए। दोस्तों, इस सबके चलते जब हिंदुस्तान मेजर शाहनवाज को एक देशभक्त, एक वतन परस्त राजनेता के तौर पर देखा करता था, उस समय मेजर शाहनवाज खान के ऊपर कुछ गद्दारी के भी आरोप लगे थे। इसका मुख्य कारण ये था कि मेजर शाहनवाज जिस समय अपने राजनीतिक जीवन में तरक्की कर रहे थे, उस समय उनका बेटा पाकिस्तान थल सेना में तरक्की कर रहा था। इसका मतलब ये कि मेजर शाहनवाज के जो साहबजादे थे वो पाकिस्तान आर्मी के अंदर एक अफसर थे। दोस्तों, हिंदुस्तान के अंदर मेजर शाहनवाज की पहली मर्तबा छवि तब खराब हुई जब 1965 में वो लाल बहादुर शास्त्री जी की सरकार में कृषि मंत्री थे। उस समय 1965 के समय पर जब हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ जंग लड़ रहा था, तब मेजर शाहनवाज का बेटा पाकिस्तान की ओर से
हिंदुस्तानी फौज का मुकाबला कर रहा था। इसके बाद हिंदुस्तान के अंदर कई किस्म के लालचन मेजर शाहनवाज पर लगाए गए और दबाव में आकर उन्होंने अपना त्याग पत्र हुकूमत हिंदुस्तान को देने का फैसला किया, मगर उस समय लाल बहादुर शास्त्री उनके समक्ष आकर उन्होंने उनका बचाव किया और हिंदुस्तानियों को ढांढस बताया कि मेजर शाहनवाज एक पक्के हिंदुस्तानी, एक कट्टर वतन परस्त है। दोस्तों, अब हम उस मुद्दे की बात करते हैं जिस कारण मेजर शाहनवाज की मिसाल हिंदुस्तान हमेशा देगा। दोस्तों, एक मरतबा दिल्ली के अंदर एक परिवार का एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उस परिवार के कई लोग मारे गए थे। उस परिवार में एक छोटी सी बच्ची उस एक्सीडेंट के अंदर जिंदा बची थी। उस लड़की का नाम था लतीफ फातिमा। मेजर शाहनवाज ने उस यतीम लड़की को अडॉप्ट करा, उसे गोद लिया और उसकी परवरिश करी। उस लड़की की शादी हुई मीर ताज मोहम्मद से। मीर ताज मोहम्मद वही शख्सियत है जिनका बेटा आज के हिंदुस्तान की बॉलीवुड की शान किंग खान शाहरुख खान है। और दोस्तों, इसी सब के साथ, राजनीतिक जीवन के साथ, हिंदुस्तान में वतन परस्ती के साथ साथ, सन 1983 में मेजर शाहनवाज खान ने हिंदुस्तान के ही अंदर वफात फरमाई और उनकी कब्र पुरानी दिल्ली में जामा मस्जिद के पास मीना मजार के काफी नजदीक यहीं पर बना दी गई। दोस्तों, जनरल शाहनवाज का जब भी ख्याल हमारे जहन में आएगा तो एक वतन परस्ती, एक देशभक्ति की मिसाल हमेशा हिंदुस्तान जनरल शाहनवाज के नाम से देगा। इस वक्त हमारे साथ है मोहम्मद अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या क्या नॉलेज है आपको, क्या आपको जानकारी है जनरल शाहनवाज के बारे में? जनरल शाहनवाज के बारे में यही जानकारी है, जब देशभक्त है, इंडिया के लिए बहुत कुछ कर गए हैं, इसके लिए इतने बड़े जगह में मिले हैं। यहाँ हम लोग ही करते हैं सब कुछ, देखभाल साहब है इसका पूरा सब कुछ। यह है कंप्रेसर, उसका काम करने वाले सारे करते हैं, सब देखभाल इसी में होता है, सब देखभाल यही सही रहता है। लेकिन आजकल कोई नहीं आ रहा है, आजकल सरकारी आदमी कोई नहीं आ रहा है। बड़े बड़े सरकार की तरफ से कोई खास मदद? कुछ भी नहीं, क्या मदद, कोई मदद नहीं है यहाँ पे। मैं बर्स उसका उरूस बनाते, बर्सी भी बनाते हम लोग करते हैं। आते हैं इनका पोता। अच्छा। हाँ, पोता आते हैं, वो करते हैं। कहाँ इनके पोते का कुछ पता है आपको इनके पोते के बारे में? नहीं, इनके पोते के बारे में तो हमें पता नहीं, कहाँ रहते हैं। इतना था पहले सागर सूरी थे इनके, सागर सूरी साहब करते थे सब कुछ। अच्छा। हाँ, अब हम लोग करते हैं। कितने साल से खिदमत कर रहे हैं आप? हम कर रहे हैं कम से कम 30 साल से, 30 साल से, 30 साल से भी ऊपर। दोस्तों, यही कथाएँ होती है हमें एक दूसरे से मुतासर करने के लिए। जनरल शाहनवाज जितनी बड़ी शख्सियत हिंदुस्तान के इतिहास में, साथ ही पूरे सियासतदान के लिए रहे हैं, उतने ही शायद हमारे और सियासतदान हिंदुस्तान के एक ज़माने में रहे होंगे। बहुत अच्छा लगा हमें मोहम्मद अकबर साहब से बात करके और उम्मीद है कि ऐसी ही शख्सियत हमारे हिंदुस्तान के अंदर और भी बने। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बातचीत के दौरान मोहम्मद अकबर साहब ने हमें बताया कि एक ज़माने में जनरल शाहनवाज की कब्र पर बॉलीवुड के दिलीप कुमार, साथ ही सुनील दत्त साहब आया करते थे, मगर वक्त ने शायद जनरल शाहनवाज को भुला दिया। वक्त ने भले ही जनरल शाहनवाज खान को भुला दिया हो, मगर हिंदुस्तान जनरल शाहनवाज को कभी नहीं भुलाएगा। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंत में हम डॉक्टर महबूब अली साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इतनी खूबसूरत जगह हमें बताई। और अब कथा के माध्यम से हम कुछ ऐसी मुख्तलिफ दास्तानों का आगाज करेंगे, उनको आपके सामने पेश करेंगे, जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में हमारे भाइयों को, हम सबको एक दूसरे से मुतासिर करने में मदद करेंगी। मेरा नाम है मीर और आपने सुनी मेरी आवाज में जनरल शाहनवाज खान की एक